वापस एक बार हम लोग ट्राई करने वाले हैं अमेरिकन ब्रांड के चिप्स यानी कि लेस के चिप्स एंड अपने इंडियन ब्रांड के चिप्स यानी कि बालाजी के चिप्स। मैं देख रहा था कि भाई कौन सा वाला है बिकॉज कलर्स काफी ज्यादा सिमिलर आते हैं। यहाँ पे अपने पास सारे के सारे इंडियन वाले चिप्स है, उसमें बालाजी मोस्टली मिलेगा अपने को एंड बाकी थोड़े बहुत चिप्स है वो भी बोनस एज अ बोनस। भाई मुझे भी चाहिए ना बोनस। एंड यहाँ पे सारे लेस के फ्लेवर्स है भाई, मजा आने वाला है, मेरा तो मजा आने वाला है। आपको भी अगर मजा चाहिए तो पहले लाइक दे दो इस बार। डाइट की बात लगेगी भाई, सीरियसली बोलता हूँ मैं डाइट को सलाड खा के आऊँ, ठीक है? डिनर में सलाड खा के ये अभी वीडियो बन रहा है अपना। So, पहला वाला फ्लेवर भाई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सबसे जो स्टैंडर्ड फ्लेवर लाइक मोस्ट ऑफ लोगों ने खाया होगा वो है ये वाला लेस का अमेरिकन स्टाइल क्रीम एंड अनियन। और यहाँ पे भी अपने पास बालाजी का क्रीम एंड अनियन है। मैं ऑनेस्टली बोलूँ आपको एक चीज, ठीक है, मुझे चिप्स खाए हुए एटलीस्ट 2-3 महीने हो चुके, तो मैं काफी ज्यादा फ्लेवर भी भूल चुका हूँ। तो अच्छी बात है ये कि मैं अच्छा एक टेस्ट सब्जेस हो सकता हूँ इसके लिए। चलो तो पहले इसको खोलते भाई, ये देखो कितना सा हो गया ये। चलो ये भी टेस्ट करते ना हम लोग पहले अभी आज, ठीक है? ये बालाजी है, ये कितना हो गया? ओ भाई एक्चुअली बोलू बालाजी का थोड़ा बड़ा लग रहा है यार अभी बैग। और अगर देखा जाए तो स्मेल भी लेके देखता हूँ, मैं लेता हूँ काफी बार, एकदम कड़क माल है। इसका स्मेल थोड़ा अच्छा नहीं है, इसका स्मेल बहुत कम है लेकिन इसका थोड़ा ज्यादा आ रहा है स्मेल। ठीक है अब भी क्या करता हूँ, चिप्स देखते हैं। सो ये है लेस एंड ये है बालाजी, ठीक है? सारे पैकेट्स के मैं आपको चिप्स एग्जैक्टली डिटेल में नहीं बताऊंगा, बट फर्स्ट पैकेट अपना इसलिए मैं इतना ज्यादा दिमाग लगा रहा हूँ। तो लेस वाले में और बालाजी में डिफरेंस बोल सकता हूँ, कुछ ग्रीन ग्रीन है ना वो लेस पे ज्यादा, बाकी ऑनेस्टली बोलूँ कलर बहुत ज्यादा सिमिलर है। लेस का थोड़ा सा ऐसा गोल मटोल है और सॉरी लंबा है, ठीक है? सॉरी गाइस ज्यादा डिटेल में हो गया, अभी मैं पहले लेस ट्राई करता हूँ बहुत दिनों बाद। क्रीम एंड अनियन बोलते हैं, नाइस यार, टेस्ट बहुत ज़्यादा है, स्मेल कम है। अभी बालाजी ट्राई करते हैं, ठीक है? व्हाट, दोनों का फ्लेवर बहुत ज़्यादा सिमिलर है आपको भी पता होगा, बट एक बालाजी में ना एक अलग सा कुछ तो स्वीटनेस टाइप आता है। लेट्स को मारो गोली दोस्तों, बालाजी खाएंगे हम, बालाजी वाले स्पॉन्सर कर दो यार वीडियो। नेक्स्ट अभी अगर मैं फ्लेवर चूज करूंगा लेस का तो ये वाला ही, ये है इंडियन मैजिक मसाला, ये मेरा फेवरेट फ्लेवर है। आप लोग भी नीचे कमेंट सेक्शन में बताना आपका कौन सा फ्लेवर है। मेरे भाई का तो कोई अच्छा वाला फ्लेवर तो ये मेरा क्रीमन ओनियन देखा भाई, इसको बोलते हैं कम अक्कल वाले, ठीक है? तो अभी ये साइड पे बालाजी का आई थिंक अपने पास यही पे होगा। यस मसाला मस्ती बोलते ये लोग, लाइक दोनों में भी मसाला रखा है एंड दोनों का कलर बहुत ज्यादा सिमिलर है दोस्तों, ठीक है? मसाले डाले मजा आएगा, अभी देखते कौन से मसाले किसमें डाले। भाई इसमें बालाजी वालों ने दिखाया काफी कम मसाला है और इसमें दिखाया काफी ज्यादा है, ठीक है? देखते हैं किसमें कितना है दम। वो मसाला भाई इसमें भी मसाला है, बट इसमें आई थिंक ये रहता ना, इसका नाम भूल गया मैं हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, नहीं ये दालचीनी नहीं यार, क्या बोल रहा मैं इसको यार, कुछ तो बोलते हैं इसको यार, अभी जस्ट मुझे याद नहीं आ रहा है, प्लीज आप समझ जाना। तो दो चार फूल के वीडियो क्या बना ले, शेप बन रहा है। अरे देखो यार, लेकिन ये फूल वाला रहता है ना, मुझे याद नहीं आ रहा इसका नाम, ठीक है? फूलपत्र, हाँ फूलपत्र बोल दो, ठीक है? चलो तो उसका ना ज्यादा स्मेल आता है भाई। लेज वालों का जो चिप्स का साइज है कुछ ज्यादा ही बड़ा है और ये है बालाजी वाला, ठीक है? इस बार क्या करता हूँ मैं बालाजी वाला पहले खाता हूँ बिकॉज मुझे लेज वाला सबसे पसंद है, तो बायस ना होना, तो इसलिए पहले बालाजी खाते हैं। ठीक है, बट मीठा ज्यादा लग रहा है। मतलब मसाला है बट तीखा नहीं लग रहा है थोड़ा सा भी। अभी ये खाते हैं, ठीक है? तीखा तो दोनों भी नहीं, बट लेज वाला ज्यादा मसालेदार लगता है, इसलिए इस वाले फ्लेवर में लेज जीत जाता है। नेक्स्ट कौन सा फ्लेवर ट्राई किया जाए? येलो, येलो सॉल्ट
सॉल्ट वाला फ्लेवर है ये, क्लासिक सॉल्टेड, मतलब सिर्फ चिप्स पे सॉल्ट डाल दिया, ऐसा सॉल्ट डाल दिया, ठीक है। यहाँ पे ढूंढा सॉल्टेड वाला येलोइश टाइप का कोई हो सकता है। यहाँ पे एक्चुअली अपने छेड़ा का भी है, ये भी क्लासिक सिर्फ लाइटली सॉल्टेड चिप्स आते हैं, तो हम लोग एक और ढूंढते बालाजी का भी। तो देखो इसके अगेंस्ट, लीज के अगेंस्ट मुझे यहाँ पे सिंपली सॉल्टेड भी मिला है बालाजी का। अच्छा यार, ये लोग सिंपली सॉल्टेड बोलते हैं, इसको क्लासिक सॉल्टेड। एंड एक नए कंपनी का भी यहाँ पे अपने पास, ये ट्रूली गुड फूड ऐसा नाम है इनका, पता नहीं इसमें क्या गुड़ है, बट ये भी क्लासिक सॉल्टेड नाम देते हैं इसका। तो कलर्स काफी ज्यादा सिमिलर रखे इन लोगों ने, बस बालाजी वालों ने थोड़ा ऑरेंजिश कर दिया इसको। भाई मैंने जस्ट पीछे के लेबल चेक किए, ठीक है भाई, फूड फार्मर के वीडियो देख देख के लेबल चेक करने की आदत हो गई है। तो बात ऐसी है कि इसमें थोड़ा सा मतलब कैलोरीज थोड़ा थोड़ा सा कम है, बट इशू क्या है, इसमें सोडियम ज़्यादा है इसके मुकाबले, आई गेस। यप, 100 ग्राम को चेक कर रहा हूँ मैं, यस। तो इतना कुछ फर्क नहीं है, सिर्फ खुद को गुड़ बोलने से गुड़ नहीं हो जाता इंसान, सॉरी। बट भाई हम लोग यहाँ पे बाकी सारी चीज़ें नहीं देखना है, हम सिर्फ देखना है टेस्ट। तो पहले लेज ओपन करते आराम से, बालाजी भी ओपन किया जाए अपना, राइट। कि इस बार लेस का चिप अजीब दिख रहा है, थोड़ा सा लंबा लंबा सा, और बालाजी वालों का चिप ज्यादा बड़ा दिख रहा है। मैं स्मेल लेता हूँ, जिसका स्मेल कम है ना उसको लेंगे। चलो लेस को पहले ट्राई करते, थोड़ा सा सॉल्ट है बस, हो गया काम अपना, सही लगा। मतलब नॉर्मली खाना सही एकदम, पानी पी लो आराम से चिल। देन ये वाला अभी बालाजी का ट्राई करते हैं, लाइटली सॉल्टेड नहीं ये ना, ये सिंपली सॉल्टेड, सॉरी। अब इसको देखते हैं, चटनी का जी मतलब टेस्ट वाइज बोलूँगा सेम है, बस बालाजी में थोड़ा सा आई थिंक सॉल्ट कम है, थोड़ा सा ही। अभी वो तो जिसको सॉल्ट कम पसंद है उसके लिए सही है, और मुझे ऑनेस्टली बोलूँ सॉल्ट थोड़ा सा कम ही पसंद है खाने में भी, इवन तो मैं बालाजी की तरफ जाऊंगा। और ये थोड़ा ज़्यादा सॉल्टेड हो जाता है मेरे लिए। अभी ये देखते हैं इनका, कुछ नया दिखा था हम लोग को ऑनलाइन दुकान में भी। चल वो ये थोड़ा सा इनका टेक्सचर अलग है भाई, इनका लाइक वो वाला टेक्सचर है, पता नहीं कैसे, ठीक है सब कुछ नॉर्मल लग रहा है एकदम, लेकिन पता नहीं इसका खा के मजा नहीं आ रहा है, और प्लस सॉल्ट भी उतना ही लग रहा है मुझे, चेक कर भाई। मतलब कमजोर नहीं, मतलब एक अजीब सा टेस्ट आ रहा है ना बीच में, मुझे ऐसा लग रहा है, फील आ रहा है। ये देखिए, ये खा के देख तुझे, हम लोगों ने ये बहुत खाया है वो ठीक है, बट यही बट है ना, ये उसको ये पसंद आया, मुझे ये बालाजी पसंद आ गया, और ये किसी को नहीं पसंद आया। क्या इतना बुरा हूँ मैं, खाना कितना क्या है तू? हाँ मतलब समझ नहीं आ रहा यार इतने फ्लेवर्स है अभी, ये कौन सा फ्लेवर है? टोमेटो। अच्छा टोमेटो टैंगो, कभी कभी मेरा मन करता है, बहुत गंदा लगता है मुझे, कभी कभी पसंद आता है टैंगो फ्लेवर। अभी यहाँ टूटने में हेल्प कर, नुबड़े इसे बैठ के खा रहे हैं। ये चिली कुछ तो लिखा है, ये फर्स्ट टाइम देखा मैंने इसका, पहले बालाजी 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 टोमेटो ट्विस्ट लिखा है इनका, टोमेटो टैंगो है। चलो भाई देखते हैं किसका टोमेटो बेटर है, मैंने ज्यादा खाया नहीं ये दोनों भी, ठीक है। चलो पहले हम लोग लेस ट्राई करते हैं, लेस का चिप निकालते भाई, भाई ठीक ठाक है बट छोटा साइज लग रहा है इसका थोड़ा सा, कोई टेंशन की बात नहीं, हम लोग खा के देखते हैं इसको बेटर से। थोड़ा सा ऐसा टैंगी आता है इसमें, लाइक खट्टा आता है ना वो स्मेल, इतना नहीं, लाइक चार पांच खाओगे ना उसके बाद वो रियलाइज हो जाएगा इंसान को। अभी देखते हैं हम लोग बालाजी वाला, ठीक है। दोनों के चिप्स एकदम ही सिमिलर दिखे मुझे ऑनेस्टली बोल, ठीक है दिखा था एक मिनट। ये देखो लेस का चिप है, ये बालाजी का है, कलर्स वाइज सेम ही है काफी ज्यादा। बालाजी का खा के देखते भाई, टोमेटो ट्विस्ट। इसमें फ्लेवर ज़्यादा है, मतलब टेक्निकली बोलूँ तो इसका टेस्ट ज़्यादा बेटर है, बट क्या इश्यू हो जाता है, ये ज़्यादा खाएंगे मतलब चार पांच चिप्स तो ज़्यादा खाने का ये नहीं होगा, लाइक मन नहीं होगा, बट इसका कैसा है ये ज़्यादा खा सकते हैं एक टाइम के लिए, तो पता नहीं यार कौन सा बेटर है। आई थिंक दोनों सिमिलर ही लग रहे हैं मुझे, क्योंकि मुझे ज़्यादा ये फ्लेवर पसंद नहीं। नेक्स्ट अपने पास यहाँ पे ये देखो, ये कौन सा फ्लेवर है, यह है चाय लेमन, मतलब लेमन वाला
फ्लेवर देखिए, ठीक है इनका देखते हैं, इनके पास लेमन वाला फ्लेवर है क्या? ये ले गाइस, तो बात ऐसी है, यहाँ पे अपने पास लेमन वाला फ्लेवर है और यहाँ पे पुदीना वाला फ्लेवर है, तो डायरेक्टली अपना कंपैरिजन लेमन्स टू लेमन्स तो होने नहीं वाला, बट स्टिल टेस्ट किसका बेटर है देखना अपने को सिर्फ। मैं पहले लेस ट्राई करता हूँ, स्मेल कुछ खास पसंद नहीं मुझे ये वाले फ्लेवर का, स्मेल मुझे सबसे ज्यादा मैजिक मसाला वाले फ्लेवर का पसंद है। ठीक है अभी इसको ट्राई करते, बहुत बहुत खट्टा आ जाता है यार, भाई पानी लग गया मुझे एक चिप्स के बाद ही, बहुत चिप्स खा लिया यार ऐसा लग रहा है। पानी का भी वीडियो बनाते क्या, यहाँ का पानी वहाँ का पानी, मस्त प्लान है, हर सिटी का हम लोग पानी टेस्ट करें। अरे हाँ। एंड बालाजी में अपने पास ट्राई करने के लिए पुदीना वाला फ्लेवर, आई थिंक यही है पुदीना ट्विस्ट नाम है, तो मे बी ये भी सही हो सकता है, देखते हैं। एक्चुअली अच्छा स्मेल आ रहा है यार इसका, और इसका चिप्स थोड़ा सा अलग है। वाव काज, मुझे पुदीना पसंद है, ठीक है दो तीन खाऊंगा रुको मैं। ये वाला मुझे पसंद आया, ठीक है मैं सच्ची बोलता हूँ ये पसंद आया, बट एक चिप खाऊंगा मैं इसका, बट ये भाई पूरा पैकेट खत्म कर सकता, इतना पसंद आ गया मुझे, तो ये जीत गया भाई, ये वाला फ्लेवर भी जीत गया। कल अपने पास नेक्स्ट थोड़ा सा हॉट वाला, मतलब की थोड़ा सा तीखा वाला, अरे वो कुछ से भाई भाई। और अपने पास बालाजी में भी यहाँ पे है हॉट चिली फ्लेवर, ठीक है। एंड यहाँ पे अपने पास एक और कंटेंडर है, कंटेंडर मतलब कि एक और बोनस चिप है, वो है 2M का हॉट स्पाइस, हॉट स्पाइसी लिखा ना इस पे, नागिन हॉट सॉस लिखा है इसका नाम। चेक करते हैं भाई, ठीक है तो सबसे पहले हम लोग बालाजी से स्टार्ट करते हैं इस बार, ठीक है बालाजी का ये मुझे पसंद आया यार, ये वाले टाइप के चिप्स, ठीक है एक्चुअली थोड़ा सा लग रहा है तीखा हो सकता है ये, ओ कलर है भाई तीखा वाला कलर बोलते हैं ना वैसे टाइप का है। मतलब इतना भी तीखा नहीं है, बट है भाई ये तीखा है, पानी लगेगा हर चिप्स के बाद, वरना अपना टेस्ट खा नहीं पाएगा, टेस्ट मिक्स नहीं होगा, टेस्ट मिक्स हो जाएगा, सॉरी बोल नहीं पा रहा ठीक से। सेम ही ट्राई करते अभी लेज वाला, ठीक है लेज वाले में देखते। अच्छा लेज का भी भाई तीखा तीखा लग रहा है, थोड़ा सा मोटा चिप है। ज़्यादा टैंगी है, मतलब खट्टा ज़्यादा है, बट सच्ची बोलूँ एंजॉय करने के हिसाब से अगर मैं बोलूँगा कि भाई कौन सा ज़्यादा मैं एंजॉय करूँगा खाते समय, तो लेज वाला इसमें एंजॉय करूँगा, बालाजी वाले ने थोड़ा ज़्यादा तीखा किया, तो जिनको तीखा खाना है स्पेसिफिकली तब सही है भाई ये, देखते भाई ये ज्यादा तीखा है क्या, टूट तो क्या मैंने तो खास इतना आ नहीं रहा है मुझे लाइक तीखा वाला, अब कौन सा सॉस लगा है इस पे? भाई ये कंजूसी की इन लोगों ने थोड़ी सी, भाई देखते खा के देखते भाई। वेट हाँ ये तीखा है, ये भी एंजॉय नहीं कर पाऊंगा मैं, मतलब स्पेसिफिकली तीखा खाना है तब सही है ये और बालाजी, बट अगर आपको सिर्फ एंजॉय करना है कोई भी फ्लेवर उठा के तो ये वाला सही है। फाइन नेक्स्ट है कुछ अलग अलग फ्लेवर्स, ये एक्चुअली बोलूँ ये वाला फ्लेवर मैंने कभी खाया नहीं अब तक, तो इसको भी ट्राई करते हैं, बट इसको किसके साथ करें वो सोचना पड़ेगा अपने को। पहले क्या करते हैं, हम लोग को पेपर वाला तो मिला नहीं है, बट एक सिंपली सॉल्टेड अलग टाइप का बालाजी का मिला है, तो इसको ट्राई करते हैं। आई थिंक अपने को कोई और भी इसके साथ मिल सकता है क्या? नहीं ये देखना ये कौन सा है भाई, यहाँ पे अंकल चिप्स है अपने पास, तो इसमें लिखा तो नहीं उन लोगों ने सॉल्ट एंड पेपर टाइप, बट यहाँ पे मुझे पेपर दिख रहा है अपनी टर्मरिक मतलब हल्दी दिख रही है, ये भी ट्राई करेंगे साथ में। पहले लेज़ का देखते बिकॉज मैंने सच्चे में ये कभी ट्राई नहीं किया है, क्या छोटू सा यार क्या फ्लेवर बोला ये, मैंने गाएगा इसको मेरे को पसंद है इतना, मुझे एक्चुअली ये टाइप के चिप्स नहीं पसंद आ रहे अभी,
मजा ना आ रहा इतना खा के इसको, मजा नहीं भाई। नेक्स्ट है अपने पास बालाजी का, देखते हैं। ये तो सिंपली सॉल्टेड है, ये शायद सही लगेगा, बट ये टाइप के चिप्स मुझे पसंद नहीं है आजकल, नहीं आता, मजा नहीं आया, दोनों में मजा नहीं आया मुझे, आई एम सॉरी। अंकल चिप्स देखते हैं इनके पास कुछ है क्या। अंकल चिप्स वेट, हाँ ये इस टाइप के, ठीक है। हाँ दिखने में तो लग रहा है कि इस पे पेपर है। अबे इन पे लिखा नहीं है, लेकिन ये पुदीना फ्लेवर जैसा लग रहा है मुझे बालाजी के, मुझे वो पसंद आता तो ये भी पसंद आ गया, जाहिर सी बात है। ठीक है, तो ये है लेस का वेस्ट इंडीज हॉट एंड स्वीट चिली, मतलब हॉट एंड स्वीट मिक्स वाला फ्लेवर है ये एक्चुअली खाया मैंने दो तीन बार। इसके बाद अपने पास यहाँ पे टीजीएफ का भी सेम टू सेम एग्जैक्ट फ्लेवर है, बालाजी का देखते मिलता है। सो गाइस अपने पास बालाजी का एग्जैक्ट सेम टू सेम फ्लेवर नहीं है, बट सेम कलर का पैकेट मुझे दिखा और इसमें लिखा है पेरी पेरी, तो आई थॉट कि थोड़ा बहुत चल सकता है भाई, 19 पीस का मतलब चल जाएगा। ठीक है, अभी पहले लेस का ही देखते हैं, बिकॉज मुझे देखना है कैसे लगता है ये। थोड़ा सा ही ऑरेंजिश है, ये टोमेटो जैसा फ्लेवर है, बस खट्टा कम है इसमें, आई थिंक टोमेटो से बेटर ये है। देख चलो 2M का द गुड फूड का इनका ट्राई करते हैं इस बार। ठीक है, आई थिंक इनको एक और चांस देना चाहिए। स्मेल सही नहीं है भाई, आई एम सॉरी। ठीक है, इनको देखते हैं अभी। ओह हिला डाला ना, वेट एक और बार। सरप्राइजिंगली इनका मुझे ज्यादा बेटर लगा। ठीक है, अभी मैं समझाता हूँ। तो बात ऐसी है, इस पे लिखा है स्वीट चिली, राइट, तो इसमें थोड़ा सा ऐसा स्वीटनेस ज्यादा लग रहा है मुझे, और इसमें दोनों बैलेंस्ड लग रहा है, इसलिए मुझे ये ज़्यादा पसंद आ गया। बाय द वे जिनको स्वीट ज़्यादा पसंद है उनके लिए ये सही है। और अभी बालाजी आता है भाई पेरी पेरी के साथ, कहीं पे देखे ना होंगे ऐसे फ्लेवर्स इनके पास। आ जाओ देखते इनको। हाँ लग रहा है भाई पेरी पेरी फुल। पता नहीं पेरी पेरी के चिप्स मुझे मज़ा ना आ रहा खाने में, देख टोमेटो सॉस के साथ, मतलब टोमेटो सॉस नहीं, केचप, केचप के साथ पेरी पेरी फ्राइज खाने में मजा आता है, लेकिन ये खाने में मुझे मजा नहीं आया इतना। ये ले, खुश हो जा, लास्ट वाला। क्या ये? यार ये है रेड चिली फ्लेवर, मोस्ट प्रिफर लिखा है इन लोगों ने, बट मैं ऑनेस्टली बोलूं मुझे ये टाइप के चिप्स पसंद नहीं आते। और बालाजी का क्या है अपने पास? ओ एक मिनट, इसका मिर्च मसाला नाम है फ्लेवर का, वेट आई थिंक कुछ और भी होंगे ना मसालेदार। यहाँ पे 2M का दिख रहा है, ये देख कश्मीरी मिर्च। भाई बिंगो का भी अपने पास यहाँ पे चिली वाला। भाई देखते एक अमेरिकन के अगेंस्ट अपने पास है तीन तीन इंडियंस, जब पहले लेस को ट्राई करते हैं। आई थिंक मुझे ये पसंद नहीं आने वाला, मैं देख के अगर ऑनेस्टली बोलूँ तो मुझे लगता है ये 2M का मुझे ज़्यादा पसंद आ सकता है, बिकॉज मुझे कश्मीरी मिर्च पसंद है। रोज खाते हैं। इसको मैं ऐसा दूंगा, ऐसा भी नहीं, ऐसा मीडियम मीडियम एकदम। जब बालाजी ट्राई करते हैं, ठीक है, सिमिलर चिप्स, थोड़ा ज़्यादा स्मेल है मिर्च का। थोड़ा सा अच्छा बोलूंगा लेस से, लेकिन ज़्यादा भी नहीं। बिंगो ट्राई करते पहले, ज़्यादा कुछ तीखा नहीं लग रहा ये, दिखने में है थोड़ा सा तीखा। बिंगो एंड लेस सेम, ये ट्राई करते 2M वाला। ओके, इसका थोड़ा टूटा फूटा है लग रहा है, लेकिन इसमें ज्यादा मसाला है, बोला था गाइस इसमें मसाला ज्यादा है, और थोड़ा सा खट्टापन भी ऐड किया उन्होंने, पसंद आ गया मुझे ये ज्यादा बेटर है तीनों में से। गाइस ऑनेस्टली बोलूं
अब तक मैंने सारे के सारे ट्राई किए, हर एक फ्लेवर में मेरा अलग अलग फेवरेट ब्रांड है। लाइक ऐसा नहीं कि भाई सब बालाजी के पसंद है, सब लेस के पसंद है, कुछ बालाजी के कुछ लेस के पसंद आए मुझे, पर यहाँ पे ना कुछ एक्स्ट्रा फ्लेवर्स है अपने पास पड़े हुए, यहाँ पे 2M के भी कुछ पड़े फ्लेवर्स। ये एक फ्लेवर दिखा मुझे, वो है दही पापड़ी चाट, और ये है पिज्जी मसाला, मतलब पिज्जा का मसाला। देखते भाई दही पापड़ी चाट कैसा लगता है, मैंने कभी खाया नहीं ऐसा कुछ। ओह नो वे, सच्ची में भाई स्मेल वैसा ही आया। लेके देख, लेके देख, स्मेल लेके देख। सच्चा है, मजा आ गया भाई स्मेल लेके। 10 रुपए में दही। ये दिखते में ऐसे दिखते हैं, ओके दही होगा तो मजा आ जाएगा अंदर। वाओ मान गया भाई, 2M वालो, ये वाला फ्लेवर एपिक मैन एपिक भाई। खा के देख, खा के देख। लग रहा है उसके जैसा लग रहा है भाई, बहुत ज्यादा सिमिलर। अभी पिज्जी मसाला ट्राई करते हैं, मतलब शायद थोड़ा बहुत पिज्जा जैसा टेस्ट आना चाहिए। स्मेल ऑनेस्टली बोलू चीज का ज्यादा आता है, बिकॉज पिज्जा में चीज रहता है। One of the worst flavors, sorry, but this was one of the most unique flavors अब तक मुझे लगा। Guys, मैं थक गया खा खा के literally, diet पे इतना खा रहा हूँ आपके लिए। Please like देना इस video को, और आप लोग नीचे comment section में बताना आपका कौन सा वाला favorite chip है, मतलब exact नाम बताना कि बालाजी का ये वाला flavor पसंद है, 2M का या फिर Lay's का, जो भी flavor है ना वो पसंद है वो बताओ, और सबसे घटिया flavor कौन सा लगता है ना वो भी बताओ। देखते हैं भाई कौन सा flavor जीतता है आपकी तरफ से। Thank you so much for watching, subscribe करना भाई, खतरनाक epic vlogs आते रहेंगे, सिर्फ reaction आएंगे, vlogs पे आएंगे। Thank you so much for watching, bye.